अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन मैक्रोनी, बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से, तो जिसमें ना टमाटर ना प्याज कुछ भी नहीं। तो चलें आए शुरू करते हैं। ये हमने चेस पीस लेकर छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब इसमें शामिल करेंगे दही, चार पांच चम्मच हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। साथ ही ये एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे पिसा हुआ। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है, ये जैसे ये काली मिर्ची है ना, बिल्कुल इसी तरह। साथ हम कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे आधी चम्मच, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी बच्चों ने खानी होती है ये चिकन मैक्रोनी। इसमें टमाटर माटर कुछ भी शामिल नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ें हम उनके लिहाज से बनाए। अगर आपने इसको ज़्यादा कम या ज़्यादा करना है, स्पाइसी बनाना है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें हम शामिल करेंगे टिक्का पाउडर, हाफ चम्मच टिक्का पाउडर हमने इसमें शामिल किया। और इन सारे मसालों को अब हम मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये हाथ से मिक्स कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये मसाले लहसुन अदरक सब अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। कहते हैं ना कि अच्छी तरह से ये सारी। उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं मैक्रोनी को, जब तक हम लोग बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए हमने ऊपर रखी है, इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ऑयल गर्म हो तो ज़ीरा बीच में शामिल करते हैं। नहीं, मैं कोई ज़ीरा नहीं डालता, ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू ज़रा सा हमारा ज़ीरा करकराने लगे, तो हम ये अच्छी तरह से, ये देखें बिल्कुल दही मिक्स हो चुका है, मसाले बस ज़ीरा काला ना हो, जैसे ब्राउन हो तो उसको शामिल कर दें। अच्छा, फ्लेम को कम रखना है और ढक्कन बंद कर दें, ये इसी में अच्छी तरह से। चिकन वाइट हो जाएगा उसके बाद बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। ये भी ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, सिर्फ 3 से 4 मिनट। ये देखें पानी खुश्क होने वाला है, अच्छी तरह से खिला लें और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ये शिमला मिर्च लंबी कटी हुई है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आए छोड़ अच्छी तरह से ये भून गया और गल भी गया चिकन। ये देखें कि इससे गर्म हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें मैक्रोनी बॉयल करके हमने रख ली है, इसमें प्याज टमाटर कुछ ऐसी ग्रेवी नहीं बनानी, सिर्फ दही में आपने करना है। और ये बिल्कुल सिंपल है और बच्चे खुश होकर खाते हैं। ये हमने बॉयल करके रख ली है मैक्रोनी, इसमें इसको शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें सिरके थोड़ा सा वाइट सिरका, चिल्ली सॉस 1.5 चम्मच या 2 चम्मच जितनी, सोया सॉस, ये सारे सिरके आपने इसमें शामिल कर देने। इसके अलावा मेन चीज़ हम इसमें डालेंगे केचप 2 चम्मच,
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये लेंगे हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई झटपट से। चिकन मैक्रोनी बच्चे भी इतने खुश होकर खाते हैं, क्योंकि इसमें से ना उनको धनिया निकालना पड़ता है ना टमाटर, सिंपल सादा सी मैक्रोनी। और चिकन मैक्रोनी हो तो बच्चे तो भाग भाग के खाते हैं। देखिए बाल बच्चों को गाजर नहीं पसंद, किसी को आलू, और हम वेजिटेबल मैक्रोनी बना लेते हैं। बच्चे कहते हैं हमने तो नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना। ऐसी चिकन मैक्रोनी बनाएं बच्चों को दें, और कितनी जल्दी झटपट से तैयार हो गई। अब हम उसे निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। ठीक, कैसी लग रही है? ये लें हमारी चिकन मैक्रोनी झटपट से तैयार हो गई है, और कितनी जल्दी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।